आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना देने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। नौकरी के लिए एक भर्ती, जो कि यानी जो कि कम पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो 10th पास किए हुए हैं उनके लिए भी, 10th पास से लेकर के MA जो कर रहे हैं उन तक के लिए बहुत बड़ी भर्ती है, जिस भर्ती का नाम है पशु परिचर भर्ती 2023। ये भर्ती लगभग 2013 के बाद ये प्रथम बार यानी 10 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तो इस वैकेंसी को आप किस प्रकार अचीव कर सकते हैं, इस वैकेंसी में किस प्रकार आप नौकरी लग सकते हैं, पशु परिचर क्या है, इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं, इसमें हम आज बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। यानी इस भर्ती के लिए क्या योग्यताएं हैं, इसका वेतनमान क्या होगा, इसकी परीक्षा कब होगी, परीक्षा होगी तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसी के साथ साथ जैसे परीक्षा होगी तो इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, और ये भर्ती इसमें काम आपका क्या रहेगा, इन सभी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। और जो विद्यार्थी बहुत ही कम, यानी जैसे मान लो जैसे अभी पहले की भर्तियां जिन्होंने CET से भी बाहर हैं उनके लिए भी भर्ती, ये इसमें CET की भी जरूरत नहीं है, ना इसमें CET की जरूरत है, ना इसमें रीट की जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं, सीधी भर्ती है और बहुत बड़ी भर्ती है, यानी लगभग 5,000 से ज्यादा पद है। तो विद्यार्थी जो है इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए मैं आइए आपको उस भर्ती विज्ञापन पर जाकर के बताता हूं कि यह भर्ती कब से कब तक है, कब आपको फॉर्म भरने हैं, कितनी तारीख से भरने हैं, कहाँ जाकर के भरने हैं, ये सभी जानकारी करेंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट भर्ती है। तो आइए देखते हैं इस भर्ती को और इस भर्ती को समझते हैं कि आप क्या आप इस भर्ती में पास हो सकते हैं, इसमें पाठ्यक्रम आएगा तो कैसा आएगा, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, जो कि अपने 6/10/2023 अभी 6 तारीख को ही जारी हुई है, 6 अक्टूबर को ही जारी हुई है, जिसका इस भर्ती का नाम है पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट, जो सीधी भर्ती है। इसमें आपके, मैं आपको मोटा मोटी बता दूंगा, सीधे सीधे पूरा कंप्लीटली क्या है, पूरा पढ़ने की जरूरत है, पूरा पढ़ेंगे तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा, मैं आपको मात्र 10 से 12 मिनट में ही पूरी भर्ती समझाने का प्रयास करूंगा। यानी पशु परिचर नाम है इसका, 5,281 तो नॉन TSP के लिए है, NTSP है, नॉन TSP है, और TSP के लिए 653 पद है, टोटल 5,934 पद इसमें हैं। यानी बहुत बड़ी भर्ती है, छोटी भर्ती नहीं है। तो इसमें 5,281 पद जो है नॉन TSP वाले और 653 TSP वाले। अब जैसे जो ये TSP वाले हैं वो नॉन TSP में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नॉन TSP वाले TSP वाले में फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ये ध्यान रखेंगे। बात आ गई समझ में, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है, कहाँ जाके करना है, आप यानी ई मित्र पर जाके कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए जो पहले आपने जो OTR कर रखा था, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि किसी के किया हुआ है तो शायद उनके आपके इसमें फीस नहीं लगेगी, क्योंकि एक बार वो किया हुआ है और ये आपके जनरेट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को OTR हो जाएगा तो उनके लिए तो वो सीधा आपकी जो SSOID है, SSOID पर आपके शो हो जाएगा, वहां से आप सबमिट कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें आपके पंजीयन शुल्क है कितना, इसके बारे में बता दूं कि आपको कितना इसकी पेमेंट है जो करनी है, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको SSOID के माध्यम से। यानी ये देखिए, जो सामान्य वर्ग और क्रीमिलेयर श्रेणी के जो पिछड़ा वर्ग OBC में जो क्रीमिलेयर में आते हैं, और जो अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन जो कि क्रीमिलेयर में आते हैं, OBC जो क्रीमिलेयर में आते हैं उनके लिए है 600, जनरल और OBC जो क्रीमिलेयर में आते हैं उनके लिए, और नॉन क्रीमिलेयर जो OBC के जो नॉन क्रीमिलेयर है और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, SC ST के हैं उनके लिए 400 रुपये है, और विकलांग जो समस्त कोई भी विकलांग है उनके लिए 400 रुपये है, ये इसकी फीस रहेगी। और जो जिन्होंने पहले OTR करवा रखा है उन विद्यार्थियों के लिए फीस देय नहीं होगी और फीस की जरूरत नहीं है, सीधे आप उसका आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए पशु परिचर में कितने पद कौन कौन से कहाँ कहाँ है, यानी नॉन TSP के, देखिए नॉन TSP, अभी हम पाठ्यक्रम पर चलेंगे, नॉन TSP में 5,281 पोस्ट हैं, जिनमें से सामान्य के लिए टोटल 1,334 है, और सामान्य महिला के लिए 381 है, विधवा के लिए 152 है, और परित्यक्ता के लिए 38 है। इसी प्रकार SC के लिए आपके 586 जनरल है और 168 जो है महिला के लिए, नहीं इस प्रकार इनका जो विभाजन है आप सभी इसमें भर सकते हैं। और जो भूतपूर्व सैनिक है
भूतपूर्व सैनिक आप जानते हैं उनका जो 12.5% जो आरक्षण रहता है उसके अनुसार भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए 239 पद जनरल के लिए, एससी के लिए 105 और एसटी के लिए 79, ओबीसी के लिए 138, एमबीसी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 66 और उत्कृष्ट खिलाड़ी यदि कोई है तो उसके लिए 105 पोस्ट है। और जो विशेष योग्य जन है जैसे बीएलबी वाले हैं, जैसे लो विजन वाले हैं उनके लिए 53 है ना, एलडीसीपी के लिए 53 है, इस प्रकार की पोस्ट है। अनुसूचित क्षेत्र में जो टीएसपी में काम करना हो उनके लिए 653 पद है, वही उनका विवरण है। इसी प्रकार जैसे आगे बात करता हूं मैं आपको इसमें, यानी जो विशेष विशेष सूचनाएं बताने का प्रयास करूंगा, यानी इससे पहले 17/1/2013 को जो भर्ती आई थी उस भर्ती के बाद में शायद, यानी आपको जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी आयु में बड़े हो रहे हैं अर्थात जो आयु पार छूट देने के बाद भी पार कर रहे हैं तो उनके लिए भी शायद इसमें थोड़ा शिथिलन दिया गया है, उनके लिए भी शिथिलन दिया गया है, उसमें वो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके महिलाओं को नियमानुसार 8% आरक्षण है और विधवा 8% पद विधवा एवं 2% पद परित्यक्ताओं के लिए है जो रखे गए हैं, 8% है विधवाओं के लिए पद है विधवा और 2% परित्यक्ताओं के लिए रखे गए हैं। इसमें आगे देखिए आपके, आपको बता देता हूं ये कब से कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा वो आप देख लेते हैं। जैसे भूतपूर्व सैनिकों में जो भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित है अर्थात उनके बेटे बेटी उनके लिए ये आरक्षण देय नहीं है, ये ध्यान रखना, केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही है, उनके 12.5% जो आरक्षण है वो दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए आप उत्कृष्ट खिलाड़ी यदि कोई है तो उसे भी जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी जो खिलाड़ी है उन खिलाड़ियों के लिए भी आरक्षण दिया गया है 2%, इसमें कुल रिक्तियों का 2% है, तो उत्कृष्ट कोई खिलाड़ी है तो वो भी आप फॉर्म इसमें लगाए क्योंकि आपके लिए भी अच्छा मौका है। अब आप में जैसे ये है ना, जैसे टूर्नामेंट चैंपियन अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था इनसे संबंधित कोई भी गेम्स यदि आपने खेला है तो उसमें आप जा सकते हैं। दिव्यांगजन में आप जैसे एलबी है, हियरिंग प्रॉब्लम वाले हैं उनके लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें आपके और क्या चीज है, इसमें देखिए अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष, बाकी आपको ज्यादा देखने ये पात्रता शैक्षणिक योग्यता, ये सबसे बड़ी बात है इसमें है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब 10वीं या समतुल्य सेकेंडरी पास यदि कोई है तो वो फॉर्म भर सकता है, और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये दो मुख्य योग्यताएं हैं। अगर कोई पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहा है तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है, लेकिन परीक्षा के समय उसे पास की मार्कशीट देनी होगी। मुख्य परीक्षा के लिए यदि कोई लिखित परीक्षा होती है या कोई साक्षात्कार होता है, अब इसकी परीक्षा कैसे होगी, क्या होगा, इसका चयन कैसे होगा, इसमें क्या पाठ्यक्रम होगा, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। और इसमें ज्यादा है नहीं, जैसे देखिए अन्य योग्यताओं में पशु परिचर पद के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, मतलब इस प्रकार की बातें हैं। इसके लिए राष्ट्रीयता में देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन या भूटान का प्रजाजन, ऐसे तिब्बती शरणार्थी जो 1/1/62 से पहले भारत में शहरी रूप से है, यानी जो इनके लिए भी कुछ योग्यताएं कुछ जो है छूट दी गई है। आयु देख लीजिए आपको 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरा कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक सभी के लिए, यानी सभी के लिए है ही। छूट जो है आपके जो कैटेगरी वाइज है एससी एसटी के लिए उनके जो छूट है वो किस प्रकार होगी बता देता हूं आपको। अधिकतम आयु सीमा में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के अधिसूचना 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दिए, उनके अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार दे होगी। आप देखिए क्या छूट होगी, द पर्सन हुआज यानी 31/12/2024 उच्चतम आयु सीमा में अन्य श्रेणियों में छूट इस प्रकार होगी। अधिकतम आयु सीमा में आपके देखिए एस सी एस टी ओबीसी इनके लिए 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है, एस सी एस टी और अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस वाली महिलाओं के लिए अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। देखिए इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इसमें छूट है 10 वर्ष की और पुरुष को है 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी छूटें भी दी गई है इसमें,
एक और है देखिए, इसमें राजस्थान राज्य क्रियाकलापों के संबंध सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठाई हैसियत से काम कर रहे हैं, यानी जो अभी परमानेंट नहीं हुए हैं, ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी, ये छूट अर्जेंट स्थायी नियुक्ति कर्मचारियों पर भी लागू उन पर लागू नहीं होगी, ये बात भी है। इसके अलावा देख लीजिए और आपके पेंशन, इसमें देखिए पेंशन वाला है, राज्य सरकार के द्वारा जो पेंशन लागू होगी वो आपके भी लागू होगी, ये आपके बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए आपको पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए आपको 13/10 से लेकर के 11/11 यानी 13 अक्टूबर से, 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2023 को रात्रि के 23:59 यानी रात्रि के 12 बजे तक, रात्रि के 11:59 तक आप भर सकते हैं। 13 तारीख से लेकर के 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक आपको जमा करवाने हैं, यानी 13 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर को तक आप बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म भरने हैं, उसके बाद आपका लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब फॉर्म है वो इतनी तारीख तक भरे जाएंगे। परीक्षा, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा जो है आपके अप्रैल 2024 से जून 2024 तक, अप्रैल 2024 से जून 2024 तक आपके परीक्षा होगी। अब परीक्षा होगी, परीक्षा कैसे होगी, क्या होगा, इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि परीक्षा के लिए आपको जो इसका पाठ्यक्रम है वो आपको बता देता हूं, इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। इसका पाठ्यक्रम ये रहेगा, देखिए आपके पेपर कैसा होगा, इसका पेपर आपके ये होगा, एक मिनट यानी आप ध्यान दीजिएगा, इसके लिए पेपर ये। परीक्षा की स्कीम में आपके देखिए प्रश्न पत्र ए और बी दो भागों में, पेपर के भाग दो होंगे, जिसमें पहला ए भाग में 105 प्रश्न होंगे, 105 नंबरों के होंगे, परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। भाग बी होगा जिसमें 45 प्रश्न होंगे, 45 नंबर, यानी 150 सवाल आएंगे, 150 सवाल आएंगे, 150 नंबर का ही पेपर होगा। अब 150 नंबर का ही पेपर होगा, प्रत्येक उत्तर के लिए अधिकतम एक अंक है, 1/4 यानी 1/4 इसमें अंकों की कटौती होगी, और इसमें न्यूनतम जो है 40% अंक लाना अनिवार्य है, 40% से कम आएगा तो उसे पास नहीं किया जाएगा, दोनों में ये ध्यान रखना। इसमें इसमें यानी आपके जो है परीक्षा का जो मानक स्तर है वो 10वीं स्तर का होगा। अब इसमें देख लीजिए आपके भारांक जो पहला पाठ्यक्रम है, यानी जो 105 नंबर वाला है, उसमें आपको राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में राज्य सात माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय, यानी आपको कहने का अर्थ है कि राजस्थान का तो विशेष जीके होगा और भारत का जीके भी आपको पढ़ना होगा। इसमें आपके प्रश्न आएंगे 105 प्रश्न टोटल। दूसरा प्रश्न, दूसरा बे भाग है, 45 जो प्रश्न होंगे वो किससे संबंधित होंगे, वो होंगे पशुपालन से संबंधित, ये बहुत अच्छा होगा आपके, इसमें जैसे पशुओं की नस्लें हैं, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, दुग्ध दोहन है, इससे संबंधित जैसे कुक्कुट प्रबंधन है, यानी पशुओं से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके आप समझ गए हैं, और आप बोर्ड की वेबसाइट पर जा करके, RSMSSB बोर्ड पर जा करके और अपना फॉर्म फिल कर दें। यदि आपके पास आपने पहले कोई फॉर्म भरा है तो आप अपनी SSO ID के माध्यम से सीधा फॉर्म भर दें, फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि आपके OTR हो रखा है पहले, तो आपको फीस भरने की जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके समझ में आई है, जो विद्यार्थी इससे संबंधित जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और अपनी जो सर्विस है। अब मैं आपको बता दूं इसका पेमेंट क्या है, पेमेंट इसको लेवल 1 में रखा गया है, लेवल 1, और लेवल 1 में लगभग 18,000 रुपए होते हैं, 18,000 से शुरुआत है इसकी, कितने से शुरू है, 18,000 से लगभग शुरुआत है, तो आप इसको अवश्य ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि नौकरी तो नौकरी होती है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।